Good job, man. यार इसको क्या हो गया पता नहीं दोस्तों। यार अभी हम आए हैं और इनको आगे खोला ही है और देखा कि हमारा लाल चूजा जो है दोस्तों मर चुका है। तो इसकी यार समझ में नहीं आई ये कैसे मरा है। मुझे लग रहा है कि रात को भी काफ़ी तेज बारिश आई है, हो सकता है ठंडा लगी हो इनको। वैसे तो हमने कवर किया हुआ है इनको, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी डेथ हो गई अचानक से। रोजाना दोस्तों कोई दिन आगा नहीं जा रहा, रोज बारिश हो रही है और अभी तो धूप निकली जिससे सारा जो है ना खुश्क हो चुका है। दिन में दोस्तों धूप निकल आती है लेकिन रात के टाइम यार इतनी शदीद किस्म की बारिश होती है, हम देख के हैरान रह जाते हैं भाई बारिश आई कैसे। तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है यार काफ़ी दिनों से। और मैं सोच रहा हूँ कि आज हमने दोस्तों मैंने आपको कहा था आज इसकी भी हम सफाई इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कर देते हैं। और यार हमारे कूलर ने दोस्तों अंडों की बारिश की हुई है, बारिश इतने ज़्यादा अंडे दिए हुए यार, कितने ज़्यादा पड़े हुए ये देखें दोस्तों कितने ज़्यादा। लेकिन ट्रक में भी यार बाहर आने की कोशिश कर रहा है, इसको भी आज हम बाहर निकाल देंगे। तो चलें यार इस केज को दोस्तों पहले बाहर निकाल दें क्योंकि बीच में रहेगा, थोड़ा धूप शूप लगा लेंगे एक बार तुमने और अंदर से जाके पहले जल्दी से साफ करते हैं और उसके बाद फिर अपने बजे इसके बच्चों को भी देखना है यार कितने बच्चे उसके निकल आए, क्योंकि उसके 7 अंडे थे, 3 बच्चे निकल आए थे, अब बाकी अंडे रह गए। यार यहाँ तो कीचड़ मची हुई यार, मैं पिसल ही ना जाऊँ दोस्तों। तो पहले अपने यार बजे उसके बच्चे देख रहे थे, आवाज़ें आ रही है, लग रहा फीडिंग करवा रही थी। तो माशाल्लाह से यार 3 ही बच्चे मुझे लग रहे हैं दोस्तों अभी, हाँ 3 बच्चे हैं और अभी बाकी अंडों में से अभी बच्चे नहीं निकले हुए। चलो यार दोस्तों ये बार केज जो है पहले बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों बाहर निकाल चुके हैं और कितनी खुली जगह हो गई है। पहले हम दोस्तों इनके अंडे क्रैक करते देख दे कितने, उसके बाद फिर सफाई करेंगे। तो भाई यहाँ से शुरू होते हैं, ये तो मुझे आज का ही ताज़ा अंडा लग रहा है दोस्तों। ये देखें भाई एक, ये एक अंडा है भाई, ये भाई दूसरा अंडा देखें यार गंदे हो गए थोड़े से दोस्तों। भाई ये दूसरा अंडा देखें यार कीचड़ में पड़े हुए दोस्तों अंडे, अभी हमारे किसी काम के हैं तो नहीं लेकिन अंडों की कलेक्टिंग तो हमारे लिए काम है ना यार। 4 हो गए और ये देखें कहाँ कहाँ इन्होंने अंडे दिए हैं भाई। पहले अंडे सारे उठा लें उसके बाद गिनते हैं भाई कितने अंडे हो गए। देखें यहाँ पे भी हैं यार सारे अंडे दोस्तों, बारिश की वजह से सारे ख़राब हो गए वरना ये हमारे किसी काम आ ही जाने यार। अरे भाई आ जाओ भाई यार, और तो नहीं है एक ये भी पड़ा हुआ है। चलो बस ख़त्म हो गए यहाँ पे इसके नीचे, नहीं यहाँ पे हो सकता है ना हो। देखिए दोस्तों अंडे के गिनते हैं भाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वाजी वाह 11 अंडे दिए हैं भाई इन्होंने। तो इसको ना इस प्याले के अंदर रख के बाहर रख देते हैं, उसके बाद इनको साफ करेंगे। चलें दोस्तों इसको बाहर रख देते हैं ताकि अंडे जो हैं टूट ना जाए हमारे। चलो अल्दी तो इसको दोस्तों बाहर छोड़ देते हैं, ये थोड़ा बाहर घूम फिर लेगा ना, काफ़ी धूप छुप लग जाएगी इसको भी। चलें दोस्तों बारी सफाई की यहाँ से उठाते हैं फिर भाई सारा गंदा। ये देख दोस्तों माशाल्लाह हमारा डब वे भी कितना बड़ा हो गया यार, ये देखें भाई बस बाहर आने वाला है कुछ दिनों के अंदर। तो जो यहाँ पे अंडा पड़ा हुआ था वो भी नीचे दबा हुआ अभी ख़राब हो चुके हैं। तो एक बच्चा यहाँ पे है दोस्तों और बाकी इसके अंदर मुझे क्या लग रहा है इसके अंदर तो कुछ नहीं, फीमेल कॉकरोच दोस्तों मटकी के अंदर बैठी हुई है। इसके भी इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर अंदर बच्चे निकल आएंगे, एकदम जैसे इसने पहले सरप्राइज़ दिया था ना ऐसे ये अचानक सरप्राइज़ देगी इंशाल्लाह। यार इस वाले घोंसले के अंदर दोस्तों हमारी एक फिंच बैठी रहती है लेकिन अंडे यार वो दे नहीं दी, पता नहीं क्यों नहीं नज़र आते यार उसके हमें अंडे, या उसने दिए नहीं अभी तक। रोज़ मैं देखता हूँ उसको अंदर ही बैठी रहती है लेकिन उसके अंडे नहीं अभी तक मुझे नज़र आए यहाँ पे। यहाँ पर भी दोस्तों डब ने इतने सारे अंडे दिए हुए, इनके बच्चे देखते निकले कि नहीं निकले, नहीं भाई इनके भी बच्चे अभी नहीं निकले, काफ़ी ज़्यादा अंडे दिए हुए यार इन्होंने तो यहाँ पे 6-7 अंडे दिए हुए यहाँ पे। ठीक है अंदर जो है फिंच का बच्चा मुझे लग रहा है फिर से अंदर घुस चलेगा, ये देखें भाई खुद ब खुद बैठा हुआ है, इसकी मटकी हम थोड़ी सही कर देते हैं। चलो भाई खुद ब खुद बाहर आ जाएगा ये सेटअप है दोस्तों। जो सबसे बेस्ट ब्रीड जा रही है ना वो इस वक्त कोकरेल की जा रही है यार। कोकरेल दोस्तों पहले भी माशाल्लाह में बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मज़ा करवाया और इस दफ़ा भी पूरा यकीन है इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा करवाएगा कोकरेल। तो इन्होंने अंडे तो तकरीबन 5-6 दिए हुए हैं, अल्लाह करके सारे बच्चे निकल आए जैसे पहले निकले थे, और अब जैसे रश लगा हुआ है फिर इसका रश डबल हो जाएगा इंशाल्लाह।
दोस्तों कबूतर वगैरह और तोते हमारे नीचे आना शुरू हो गया, यहाँ से देखें सूखना भी शुरू हो गया। तो अब जब पहले की जगह गिली थी ना, सिर्फ ठंड की वजह से नहीं आ रहे थे, और अब आना शुरू हो गया। और मुर्गी नीचे जा रही है अभी, वो देखो इनका। दोस्तों मैंने दाना नीचे डाल दिया, जो बड़े परिंदे ना हमारे कॉकटेल वगैरह वो ऊपर आके खा रहे हैं, यहाँ पे किसी को ही आने नहीं दे रहे इनको। और नीचे वालों को मैंने नीचे डाल दिया, ये देखिए ये सारे परिंदे नीचे आके खा रहे हैं। डायमंड फिंचेस वगैरह, केज वाली डब को भी डाल दिया, यहाँ वाली डब का तो केज खोला है, खुद ब खुद बाहर आके खा लेती है। दोस्तों अब यहाँ पे हमारे बजीज का सेटअप बना हुआ है ना, तो मेरे दिमाग में बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है कि यहाँ पे दोस्तों इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ना गर्मी ज़रा निकल जाए, सर्दियों में भी, और थोड़ा जब सर्दियों सर्दियों में ना यहाँ पे हम इंशाल्लाह जो बजेस की है ना वो पूरी एवरी बना देंगे इंशाल्लाह, उसमें 100-150 तोते हुआ करेंगे। तो जब एक इकट्ठी फ्लाई होगी ना बड़ा मज़ा आएगा। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों को पता है हमने बच्चे इनके घर रखे हुए हैं अपने पुराने न्यू घर में, तो उनको भी यहाँ पे जब थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा ना गर्मियों वगैरह के बाद यहाँ पे ले आएंगे, और यहाँ पे एक लाइन से मटकी जाएंगी यूँ करके, फिर ऐसे यूँ करके, फिर यूँ करके, जैसे मैंने आप लोगों को डायमंड का कहा था कुछ काफ़ी महीनों पहले, और माशाल्लाह देखें वो कामयाब हो गया। इस तरह इंशाल्लाह बजीज का भी करेंगे यार। माशाल्लाह दोस्तों एवरी ठीक हो गया, अब जितनी मर्ज़ी बारिश आ गई ना हमें परवाह नहीं होगी, यहाँ पे पानी खड़ा होगा क्योंकि केज अब देखें धूप तेज़ है ना, सूखना शुरू हो रहा है आहिस्ता करके। डिस्को ने यार मुझे एक दफ़ा दोस्तों काट लिया था यहाँ पर, अभी भी देखें निशान पड़ा हुआ मेरे, ये देखें, तो इसलिए मैं इसको ना बहुत ज़्यादा छेड़ता नहीं हूँ। तो यहाँ पे सूखना शुरू हो गया, इंशाल्लाह कल इसकी बारी है दोस्तों, ये एवरी भी इंशाल्लाह हम समेट देंगे पूरी की पूरी। तो अभी जा क्या करते हैं अपने कूल कंडो को साफ़ करते हैं धोके, तो उसके बाद उनकी रंगत जो आएगी ना वो फेयर एंड लवली वाली होगी, तो इनको साफ करते हैं। तो इन अंडों को दोस्तों इसमें रख के ना पहले साफ़ कर देते हैं अच्छी तरीके से। ले दोस्तों अंडों को साफ़ करने की बारी आ गई, इनको अच्छी तरीके से हम साफ़ कर देंगे, देखिएगा ऐसे ज़बरदस्त कलर निकल आएगा। सारे अंडे ठीक हो चुके हैं, ठीक है, और एक मैंने अंडा देखा यार ये खोखला है, ये पहले का ही ऐसा है, इसके अंदर कोई जर्दी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये देखें भाई सारे के सारे अंडे जो कि हमारे कूल्स ने दिए हैं कुछ दिनों के अंदर अंदर, काश के यार ये फर्टाइल होते हैं। दोस्तों मैंने इनक्यूबेटर के अंदर भी रखे थे, मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन वो अंडे अनफर्टाइल थे, पता नहीं अभी फर्टाइल हैं कि अनफर्टाइल हैं, लेकिन ये तो वैसे भी ख़राब हो चुके होंगे। तो जो अंडे आएंगे ना ताज़ा इंशाल्लाह, या तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों इनका नाम कोई घर बना लें, उसके अंदर थोड़ी छुरी डाल के ना घास वगैरह डाल, ताकि उसके अंदर जाके अंडे दें, जैसे हमने नीचे कुछ सालों पहले हमने नीचे एवरी में बनाया हुआ था, ताकि इनके अंडे दोस्तों हमारे पास महसूस हो सकें, तो इंशाल्लाह ये करेंगे। तो बाकी ये देखें भाई सारे के सारे कूल्स के अंडे, सारे भाई कहते हैं भाई कूल्स की अपडेट दिया करो, ये लो यार कूल्स की अपडेट दोस्तों, 11 अंडे दे दिए कूल्स ने। अंडों को दोस्तों घर ले जाएंगे और नूडल वगैरह में बॉयल करके डाल के खा लेंगे हम लोग, क्योंकि यार इनमें से बच्चे तो अभी निकल नहीं सकते, या इनको यार डक्स को ना खिला दें। नहीं नहीं डक्स को नहीं खिला, ये जो खोखला अंडा है वो दे देते हैं, किधर है भाई ये रहा, ये लो भाई डक्स खाओ। खाली छिलका था क्या बात। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों लाजमी बताइएगा आप लोगों को कूल्स के अंडे कैसे लगे, काफ़ी भाई मुझे बहुत ज़्यादा दिन से कहा थे भाई अंडों की अपडेट दे, कूल्स की अपडेट दे, तो मैंने कहा चलें दे देता हूँ आप लोगों को। तो ये जो अंडे हैं इंशाल्लाह, बाकी जो अगले अंडे आएंगे यार मैंने सोच लिया इनके लिए तो कोई अच्छा सा घर बनाते हैं, उसके अंदर हम घास वगैरह डाल देंगे ताकि अंडे उसके अंदर जाके दिया करेंगे, और अंडे हमारे पास सही तरीके से आएँ। तो खैर वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी के लिए इजाज़त मिलेंगे इंशाल्लाह, कल अभी के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।